डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आर्टिकल किया है और इसका एज इट इज जो बोर्ड है ये कल वाला ही है। आपका प्रीवियस वीडियो का ये बोर्ड आपके सामने, एक बार में एक मिनट में पीछे वाली बात को रिवाइज करना चाहूंगा। आपके जो आर्टिकल है ए एंड डी, कल आपको मैंने बताया था इसको डी बोलते हैं, डे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बोलते हैं, इनका जो डिफरेंस है कल हमने ये बताया था कि किस टाइम पे हम इसको ए कहेंगे, किस टाइम पे हम इसको ए कहेंगे। इसके बाद में जो ए और एम है, और मैंने कल ये भी कहा था इन द सेंस ऑफ आर्टिकल वी यूज देम, रफ टेस्ट दिया जाता है तो हम इसको मतलब ए और एम कहेंगे, ठीक है, ए एम, क्योंकि अभी आपको मेरे को अंडरस्टैंड करवाना है। ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब डेफिनेट चीज नहीं है, कोई भी एक वस्तु जो डेफिनेट नहीं है। बार बार मैं समझाता हूँ, जैसे मान लिया मैंने ये कह दिया आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाय है, तो वो चीज डेफिनेट नहीं है। जो पूरी गाय प्रजाति का मतलब ये है, मैं से कोई भी एक गाय है, ठीक है, तो वहां पे हम इसका ए और एन का यूज करते हैं दोनों में से। और ये यूज डिपेंड होता है इनके फर्स्ट प्रोनाउंसिंग वर्ड्स का क्या होता है। एक तो बेटा दिमाग में ये कभी मत लेना, कई बार बच्चे ये मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं कि पहले वो वर्ड है तो एन लगा, इसलिए मैंने दोनों जगह उन वर्ड्स को राइट किया है। जैसे ये सभी वो वर्ड हैं जिनके शुरुआत में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट तो है लेकिन जो साउंड है वो ओल की है, क्योंकि ये ऑनेस्ट है, ये आवर है, ठीक है ना, तो इस टाइप इसमें एच साइलेंट है, ये एम है, एम एल ए, हम इसको अलग अलग बोलते हैं, एम एल ए बी ए एम ए बी एड, तो इसकी जो साउंड है एम में ए आया है तो हमने एन का यूज किया है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत से वर्ड है, इन सभी की शुरुआत किसी वोवल से है लेकिन इनकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए हमने यहाँ पे का यूज किया है, यहाँ पे एन का यूज किया है। ये दीज आर सर्टेन वर्ड्स टू मेक यू वेल अंडरस्टैंड, कि आप ढंग से समझ जाएं कि इन वर्ड्स के माध्यम से हम आपको क्या बताना चाहते हैं। अब बेटा मैं जिक्र करूंगा आपके सामने दी का। बेटा उससे पहले एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा, आपके हमारे टीचर्स के भी, पेरेंट्स के भी, टीचर्स के भी कहूंगा, बच्चे तो बाद की बातें हो तो नादान है, आप तो सभी दिमाग में एक बात तो ये होती है कि आर्टिकल की क्या चीज, आर्टिकल तो बहुत छोटा हा है, ए एम डी का प्रयोग 5 मिनट में आ जाता है या एक बेल में आ जाएगा। बेटा इसका बहुत वाइड टॉपिक है, पहले मेरे जो दो आपके इसकी वीडियोज होंगी, जो ये दो वीडियोज हैं ये मेरे लिए कॉमन वीडियोज होंगी जो 6-7 क्लास के बच्चे करेंगे। इसकी वीडियो नंबर 3 और 4 भी आएगी जो वैसे तो 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी, लेकिन मैं चाहूँगा 8th क्लास के बच्चे भी उनको करें। तो आपकी आर्टिकल्स की 6-7 में 2 वीडियोज आएंगी और 8, 9, 10th में 4 वीडियोज आएंगी, और इसमें आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिस जो आपने अब तक के आर्टिकल्स के बारे में नहीं सीखा है। अब मैं बेटा दी का जिक्र करूँगा, सबसे पहले दी का यूज कहाँ होता है, इसका नंबर एक यूज, बाकी तो मैं काफ़ी सारे बताता रहूँगा बेटा, ध्यान सुनेंगे, क्योंकि मैं पहले कॉमन बताऊँगा। पहले 2 वीडियोज बेटा मैंने 6-7 के बच्चों को ध्यान में रख के बनाई हैं, जो अगली वीडियोज आएंगी वो आपकी पूरी कम्प्लेक्स आ जाएंगी, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ये एग्जांपल ये चीजें हैं। बेटा दा का मतलब ये चीज है कि कोई भी चीज जो पेटेंट हो चुकी है, या आपकी भाषा में मैं बताऊं वो वस्तु जो अपने आप में इस दुनिया में एक है, या उसका एक नाम है, जो नाम पेटेंट किया जाता है। पेटेंट का मतलब है कि दूसरा, जैसे ताजमहल है
इंडिया में भी ताजमहल है, उसका नाम पेटेंट हो चुका है, कोई भी दूसरा कंट्री या हमारे देश में किसी दूसरी बात का नाम ताजमहल आप नहीं रख सकते। अखबार का नाम है द ट्रिब्यून है, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी है न्यूज़पेपर के नेम से हैं, यदि द ट्रिब्यून नेम है तो दूसरा कोई अखबार नया बनाएगा तो वो उसको नाम द ट्रिब्यून नहीं रख सकता। इसीलिए जो चीजें एक फिक्स हो चुकी हैं उनके नाम से पहले दी का प्रयोग हम करेंगे। इसके साथ ही मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, जो नेचर चीजें हैं, जैसे सूर्य है, स्टार्स हैं, चंद्रमा है, मून जिसको आप कहते हैं, इनसे पहले भी दी का प्रयोग होता है। और ये चीजें अब वन बाय वन आ सकती हैं, जो आपको मैं ये कह रहा हूँ कौन कौन सी चीजें हैं, वो चीजें आपकी ये हैं कि केवल आप इसको अलग अलग क्यों करें। अब इसको हम बाइफरकेट करते हैं, बट ऐसी चीजें क्या हैं कि जिनके एक ही नाम है, हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई नेचुरल सोर्सेज है, ठीक है, बहुत सी है, कितनी भी है, इस ब्लैक बोर्ड पे आ भी नहीं सकती, एक एक करके आप ध्यान से सुनेंगे, मैं एग्जांपल देता रहूंगा। इसके अलावा क्या चीजें हैं ऐसी, जैसे न्यूज़पेपर के नाम कोई भी है, द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी नदी के नाम है, द गंगेज, द यमुना, द सरस्वती, गोमती, जो भी ये रिवर्स हैं इनके नाम से पहले हमेशा दी का यूज होता है। पहाड़ के नाम है, चोटियों के नाम है, द माउंट एवरेस्ट है, द हिमालयाज है, ठीक है ना, द अरावलीज है, द विंध्याचल्स हैं, इनसे पहले हम डी का प्रयोग करते हैं, जिसको मैं अब दा बोल, क्योंकि इसके साथ में हम जिनके ऊपर दा आ गया, बाकी इन दी सेंस ऑफ आर्टिक रिमार्क आपको आर्टिकल समझा रहा हूँ तो मैंने इसको दी ही करना चाहिए वैसे तो। तो इनसे पहले क्या बताया मैंने, कोई नदी का नाम है, कोई पहाड़ का नाम है, कोई झरने का नाम है, ठीक है ना, या आप ये कह लीजिए इसके अलावा कोई न्यूज़पेपर का नाम है, गाड़ी एक्सप्रेस, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, द पंजाब मेल, क्योंकि उस नाम से ही उसको जाना जाएगा, वो अपने आप में एक चीज है। इसी प्रकार रेलवे का क्या है, चाहे बेशक आपकी ये हवाई के नाम हो, एयरपोर्ट के नाम हो, ठीक है ना, उससे पहले भी दा का प्रयोग होता है, जिनका नामकरण कर दिया गया है अपने आप में एक चीज है। बहुत सी चीजें हैं, ये तो मैंने बहुत कम चीजें आपको बताई है, बहुत सी चीजें ऐसी जिससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। समझना यही है कि जो अपने आप में एक चीज है उनसे पहले दी का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो नदी का नाम है, पहाड़ का नाम है, किसी जैसे महासागर का नाम है, किसी खाड़ी का नाम है, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, द रेड सी, इस प्रकार के, द पैसिफिक आ गया, हमारे जो ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जो ये महाद्वीप हैं, इनसे पहले भी मतलब ये हम दी का प्रयोग मतलब ये करते हैं। ये बेटा इतनी सारी चीजें हैं कि जो अपने आप में एक हैं उनसे पहले हम दी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बेटा कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कौन होगा इसका यूज और कहाँ किया जाएगा, वन बाय वन बैठे, इसके दो चार पांच इसकी चीजें और हैं जो सिक्स सेवन के लेवल की है, बाकी इसका यूज कब होता है वो भी आपको बताए। अगला बेटा ऐसा है, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, आई हैव, मेरे पास एक आय, हम इसके साथ में एक बात और दो बात जो बोलूंगा, क्या पता ये वाक्य ऐसा आ गया, देखो दोनों जगह इस सेंटेंस में भी पहला भी है दूसरा भी है, दोनों में काउ से पहले ब्लैंक हमने आर्टिकल यूज करना है, लेकिन बेटा इस सेंस को आप समझ जाओगे तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे। बेटा मैं दोबारा कहना चाहूंगा, ये जो आर्टिकल दो है ये इनडेफिनेट है और ये जो आर्टिकल है ये डेफिनेट, मतलब ये निश्चित है,
निश्चितता के लिए आता है। जैसे आई हैव डाउट, जितनी भी दुनिया में गाय हैं उसमें से मेरे पास एक गाय है, मतलब वो डेफिनेट नहीं है, इसलिए आई हैव ए काउ। और इसकी सेंस ये, इसे देखो काउ इज ए फेथफुल एनिमल, जो गाय है वो एक बड़ा फेथफुल एनिमल। कौन सी गाय? याद जी का मेरे वाली का आदमी भी मेरे पास एक गाय से कौन सी गाय। यहाँ पे गाय का मतलब है जो गाय नाम का जीव है, सभी गाय हैं, वो गाय की जाति के लिए आया है, तो यहाँ पे ये यूज हुआ द काउ इज ए फेथफुल एनिमल। ऐसे मान लिया, ये कह दिया एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, कौन सा एलिफेंट बड़ा, कोई एक या सभी है, मतलब आप सोच सकते हैं इस काउ में इस एलिफेंट में किसी एक एलिफेंट का जिक्र नहीं है, इन वर्ड के माध्यम से वो एक सभी एनिमल्स के बारे में एक बात बता रहा है कि सभी इसका मतलब ये कि सभी एनिमल बहुत बड़े बड़े हैं, कहे इसमें मतलब ये एलिफेंट्स हैं वो सभी बड़े बड़े हैं, तो एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, जो आपकी जाति का जो प्राणी है वो बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे दी का यूज करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर ये होता है, इन दोनों में बेटा ये डिफरेंस है। इसके बाद भी जो मेरी गाय है इसके बाद भी हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, कैसे, इस वाक्य में आगे और जोड़ दिया हमने, ये और जोड़ दिया है आई हैव काउ, यहां तो ये आ गया मेरे पास एक गाय है, काउ गिव अस मिल्क, तो बेटा यही से समझो, इसको मैंने दो पार्ट में बनाया, इसका पहला पार्ट ये है, इसका दूसरा पार्ट ये है, ये पहला पार्ट है, यदि मैं बेटा केवल पहले पार्ट का जिक्र करूं आई हैव काउ, तो काउ वो क्या है, इंडेफिनेट है कि कोई भी मेरे पास एक गाय है, लेकिन पार्ट नंबर टू में ये गाय अब डेफिनेट बन चुकी है, कैसे बन चुकी है, क्योंकि अब इसी गाय के बारे में आ गया है, वो गाय तो क्या है, वो गाय हमें दूध देती है, वो गाय मतलब दोबारा के लिए दिया गया, मतलब कहने का ये है बेटा यदि जो चीज एक आयुज है उसके बाद में उसी चीज का दोबारा से जिक्र आता है तो हम दा का यूज करते हैं। एक तो बेटा दे का यूज यहाँ पर तो मैंने सारा बता दिया गया है, दूसरा मैंने आपको ये बताया गया है, कई बार एक सेंटेंस के अंदर भी स्पेसिफाइड रूल बन जाता है, वही मैं आपको बताना चाहूंगा वो कैसे मतलब ये बन सकता है। यदि केवल यहां पर क्या सकता दिस इज बॉय, मैं क्या लिखूंगा दिस इज ए, ठीक है यही बात के मैं दोबारा लिख लिखता हूं, ऐसे हो तो दिस इज बॉय हू स्टोल माय पेन, वापस तो देखिए इसको देखिए, अब इस बच्चे को स्पेसिफाइड कर दिया गया है, यह है लड़का, क्योंकि यहां दिया है यह है एक लड़का है, एक लड़का है, दिस इज बॉय आप हिंदी मनाओ हू स्टोल माय पेन, एक बार आपको यहां से बड़ा समझ में आ जाएगा वो समस्या दूर हो जाएगी, इसकी आप हिंदी मनाइए यह लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया है, तो क्या मैं ये बोलूंगा यह एक लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया था, आप इसको हिंदी में छोड़ दीजिए, बल्कि मैं ये कहूंगा यह वही लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया है, चुराया था, यह वही लड़का है, मतलब उसको स्पेसिफाइड कर दिया गया है, तो दिस इज, तो देखो ये लाइन यहां पर मिलती है, लेकिन आगे उस बच्चे का डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे फिर हम डी का यूज करेंगे, तो ये आप इसके बारे में एक गाइडलाइंस है कि इससे मतलब ये होता है, और सिंपल कहें इस टेंस में हु वगैरह वगैरह आ जाए वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है बेटा गुड। इसके बाद में और दी का प्रयोग कहाँ करते हैं हम और दी का प्रयोग वहां करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले,
सुपरलेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, जैसे मतलब ये हाई हायर हाईएस्ट, हाई हायर हाईएस्ट है ना, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट है उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जो लॉन्गर है वो बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव का मतलब है दो चीज के बीच में कंपेयर कर दिया है, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री जैसे हम ये कह सकते हैं ये मोहन इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहां पे मैं कह दूंगा यहां पे हम बी का यूज करते हैं, ये सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले बेटा बी।